हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम गोले से संबंधित सभी सूत्र जानेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, 4 पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है गोला का आयतन। गोला का आयतन निकालना हो तो कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है गोलीय सेल का आयतन। गोलीय सेल का आयतन, सेल मीन्स बैटरी, गोलीय सेल का आयतन निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? 4/3 × π × R³ - r² कैपिटल आर मीन्स बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी आर मीन्स स्मॉल आर मीन्स छोटी वाली त्रिज्या, ठीक है ना। गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब जाके हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 4/3 × π × R² - r², ठीक है, 4/3 × π × R² - r² कब? गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता, ठीक है। आइए, घन में सबसे बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? घन में सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना हो तब हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? जब घन में सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना हो तब जाके हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 1/6 a³, 1/6 a³, ठीक है। नेक्स्ट है घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब जाके कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तब जाके हम π r² ये वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा निकालना हो तब गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा निकालना हो तब जाके हम 2R/3 इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2π r² इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट है अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तब अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 3π r² इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो 3π r² का यूज करेंगे, ठीक है। अर्धगोला का आयतन निकालना हो तो 2/3 π r³ इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जब अर्धगोला का आयतन निकालना हो तो 2/3 π r³ इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ओके। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों शेयर करें, और हमारे इस चैनल पे पहले दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलते रहे। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।